जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष आकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, चर्चा चल रही है गोचर को लेकर के। कल तक हमने बात की तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट देता है, या बृहस्पति देवता हर जातक के लिए कैसा रिजल्ट देता है। जिनके लिए बृहस्पति देवता योग कारक है वो विपरीत राज्यों की स्थिति में बन के हुआ है तो वो अच्छा फल देने में बाध्य है, नहीं तो तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता को अति मार्केत प्राप्त होता है, वो तीसरे और छठे घर का मालिक होता है और बाकी सबके लिए वो बुरा रिजल्ट देता है। प्रिय दर्शकों, आप ये बहुत अच्छी तरह जान गए हैं कि जन्म कुंडली में अगर ग्रह अच्छा पड़ा होगा तो ही गोचर की मूवमेंट से वो आपको अच्छा फल दे सकता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब पड़ा होगा, नीच का पड़ा होगा, शून्य डिग्री पड़ा होगा, अस्त अवस्था में पड़ा होगा या 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो गोचर में अच्छी जगह जाने से भी वो आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। गोचर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, गोचर के बिना हमारा विवेचन अधूरा है, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुंडली के दशा अंतरदशा की एनालाइजेशन और ज़्यादा ज़रूरी है, और कुंडली की दशा अंतरदशा या ग्रहों की एनालाइजेशन ही आपके गोचर का अच्छा या बुरा होना निर्धारण करती है। मैं इसी वजह से जन्म कुंडली के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ ताकि आप अगर जन्म कुंडली की एनालाइजेशन करना, सही दिशा में उसे पढ़ना समझ जाएंगे तो आपको गोचर समझना बहुत आसान हो जाएगा। गोचर तभी पॉजिटिव होगा जब जन्म कुंडली वो ग्रह पॉजिटिव बता करके आपको रिजल्ट देने में सहायक सिद्ध होगी। यानी अगर आपकी दशांतर आपको एनालाइज करनी आ गई तो गोचर बहुत आसानी से समझ करके आप कुंडली की प्रॉपर एनालाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि 50% गोचर रोल प्ले करता है और 50% आपकी कुंडली में दशा और अंतर दशा चलती है। इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हूँ अपने दर्शकों। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की। वृश्चिक लग्न की कुंडली का मतलब 8 नंबर लग्न की कुंडली में, इसमें बृहस्पति देवता गोचर के मूव करते हुए 7वें घर में आए हैं। ये वृष राशि में ही मूव किए हैं। 17 मई 2012 को ये वृष राशि में शिफ्ट कर गए थे, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए वो दूसरे राशि में आकर 7वें भाव में शिफ्ट हो गए। तो पिछले साल से जो प्रॉब्लम्स झेल रहे थे वो अब खत्म होने की कगार में आएंगी। लेकिन उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे जिनका नेटल चार्ट में, यानी वृश्चिक लग्न की जन्म लग्न कुंडली में अच्छा बृहस्पति पड़ा है, उन्हें वो अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। तो सप्तम भाव में यानी वृष राशि में आए हुए बृहस्पति देवता वृश्चिक लग्न वालों को कैसा रिजल्ट देंगे? 7वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, दाम्पत्य सुख को एडवांटेज देंगे, डेली वेजेस को नया रास्ता दिखाएंगे और पार्टनरशिप में भी नया रास्ता दे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाएंगे और आपके रोजी रोजगार में नया रास्ता अवश्य खोल देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से जो पुराना मनमुटाव भी चला आ रहा था वो भी दूर होकर के आपको उसका एडवांटेज अवश्य मिलेगा। लाभ जितना अटका हुआ था या पेमेंट्स आपकी अटकी हुई थी, ये उन व्यापारी भाइयों के लिए भी है जिनकी पेमेंट्स अटकी हुई थी, वो पेमेंट्स निकलने का रास्ता अवश्य मिलेगा। और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होएंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि लग्न पर डाली तो जितनी भी आपकी पर्सनैलिटी पिछले साल में गड़बड़ लग रही थी, आपको पर्सनैलिटी एक सूझवान प्राणी की तरह सामने आएगी और उसके पूर्णतः रिजल्ट पॉजिटिव होंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि करने का योग बनेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो तीसरे भाव पर दृष्टि डाली 9वीं, छोटे भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, छोटे भाई बहन के साथ साथ छोटी मोटी यात्राएँ भी होंगी, मेहनत होगी तो उसका रिजल्ट भी मिलने के काबिल बृहस्पति देवता आपको अवश्य बना देंगे। आपके बहुत सारे रुके हुए काम आपकी मेहनत का पूर्ण फल देके आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी लाएंगे। अब लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात का ध्यान रखिएगा,
ये जो मैंने रिजल्ट्स बताए विवेचन करते वक्त, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनका जन्म लगन कुंडली यानी वृश्चिक लगन की जिनकी कुंडली है, जिनका बृहस्पति उनकी नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा है। यानी अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं केंद्र में पड़ा है, कहीं त्रिकोण में पड़ा है, कहीं कारक भाव में पड़ा है और अच्छा बल लेकर के पड़ा है, उनके लिए ये सारे रिजल्ट्स होंगे। वो सातवें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ग्यारहवें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लगन संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से नौवीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक की मुश्किलों को दूर अवश्य करेगा। अब प्रिय दर्शकों, इससे उल्टा रिजल्ट वो आपको समझना होगा बहुत ध्यान से। जिनकी भी लगन कुंडली में नेटल चार्ट में यानी आपकी जन्म कुंडली में ये नीच का पड़ा हुआ, ये अस्त अवस्था में पड़ा हुआ, ये शून्य डिग्री पड़ा हुआ, ये 29 डिग्री पड़ा हुआ, ये 6, 8, 12 में होकर के उसी कुंडली में जिसमें ये दूसरे और पंचम भाव का मालिक माना जाता है, यहाँ मारक अवस्था में आ गया, तो यही सारे रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव हो जाएंगे और वो जातक की अशुभता में बढ़ोतरी करते मिलेंगे। उसके फिर रिजल्ट्स क्या होंगे ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और जिनका बृहस्पति कहीं ना कहीं अशुभ या नीच अवस्था में या कहीं ना कहीं बलहीन पड़ा है। तो सातवें भाव संबंधी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम देगा और डेली वेजेस में भी चलता चलता काम आपका बृहस्पति देवता रोक सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट नहीं मिलेगी, धन का अभाव सदा बनेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम सदैव आती ही रहेंगी। यहाँ से जितनी दृष्टि हेल्थ पर डाली या सेल्फ की पर्सनैलिटी पर डाली तो सेल्फ की पर्सनैलिटी में भी सदैव दिक्कत परेशानियाँ आती ही मिलेंगी। यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली नौवीं बृहस्पति देवता ने तो छोटे भाई बहन से मनमुटाव होने का योग बनता है, छोटी मोटी फजूल की यात्राएं होने का योग बनता है, हार्डवर्क का प्रॉपर रिजल्ट नहीं देने का योग बनता है बृहस्पति देवता के गोचर से। तो अब ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई दर्शकों, ये आपको अप्लाई करके अपनी कुंडली पे देखना है कि आपकी कुंडली में क्या बृहस्पति देवता योग कारक हो करके योग कारक ही रहे, क्योंकि अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे तो ही वो योग कारक होंगे। अगर बुरी जगह प्लेस्ड हो गए, नीच अवस्था में आ गए, अस्त अवस्था में आ गए, 0 डिग्री हो गए, 0 डिग्री होकर के 29 डिग्री भी हो गए तो भी वो बलहीन गिने जाएंगे और वो सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देंगे। तो ये निर्णय करने वक्त अपनी जन्म कुंडली का विवेचन अवश्य कीजिए। अगर आपको पहली बार में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी नेटल चार्ट में बृहस्पति पॉजिटिव है या बृहस्पति नेगेटिव है तो किसी विद्वान की मदद भी ले सकते हैं, उससे जाकर पूछ भी सकते हैं कि मेरा बृहस्पति क्या कुंडली में अच्छे भाव में पड़ा है, अच्छी जगह पड़ा है और डिग्री वाइज कितने अंश लेकर के पड़ा है, क्योंकि जितने डिग्री वाइज बृहस्पति देवता के अंश होंगे उतने ही इस घर को अच्छा या इस घर को बुरा करने में वो अपने आप में समर्था रखेंगे। नेटल चार्ट में डिग्री रोज़ बदलती रहती है लेकिन आपको सिर्फ उतनी डिग्री के सारी जिंदगी रिजल्ट्स मिलते हैं जितनी डिग्री का आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह पड़ा होता है। तो डिग्री गोचर में बदलती है लेकिन उसके रिजल्ट्स आपके लिए नहीं बदलते, क्योंकि वो रिजल्ट्स आपकी जन्म कुंडली तय कर देती है। मान लीजिए जन्म कुंडली में बृहस्पति 10 डिग्री का पड़ा है तो गोचर में चाहे 0 डिग्री पड़ा हो, चाहे 2 डिग्री पड़ा हो, चाहे 10 डिग्री पड़ा हो, चाहे 20 डिग्री पड़ा हो, लेकिन आपको सदैव वो पूर्ण जिंदगी 10 डिग्री के ही फल देने वाला है। वो सारी जिंदगी के लिए बंद गया है आपके लिए 10 डिग्री का रिजल्ट देने के लिए। तो ये निर्णय करने से पहले कि गोचर में ग्रह कैसा फल देने वाला है ये विवेचन अवश्य करना सीख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि जन्म कुंडली में अच्छा ग्रह होगा तो ही गोचर की मूवमेंट से अच्छा हो पाएगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह बुरा होगा तो गोचर में चाहे जौन से मर्जी अच्छे भाव में चला जाए वो सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देगा। इसीलिए मैं आपको इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी गिनवाता हूँ, इसी वजह
से मैं आपको इसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी गिनवाता हूँ, ताकि जिनका नेगेटिव पड़ा है वो भी इस गलत फहमी में ना रह जाए कि हमारा तो जी बृहस्पति सातवें में मूव कर गया, हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, या हमारा बृहस्पति तो पॉजिटिव है नेगेटिव आ। तो ये आपको निर्णय करना होगा, नेगेटिव है तो अच्छे भाव में जाने से भी वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव है तो वो बुरे भाव में जाकर भी कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव निकाल देगा। जैसे जिनका अच्छा था बृहस्पति पड़ा हुआ, जैसे पिछले साल में वो सारा छड़े भाव से निकला, तो बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन क्लियर करे, बहुत सारे मेरे पास लाइव कुंडलियां देखने में आई जिन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दे करके क्लियर तक किया और बहुत एडवांटेज उनको मिला। तो ग्रह वही है, अगर नेटल चार्ट में अच्छा होगा तो गोचर की मूवमेंट सदैव अच्छा फल देगी। ये निर्णय करते वक्त सबसे पहले गोचर को आप साइड पे कर दीजिए, पहले अपनी जन्म कुंडली अपने आगे रखिए, उसमें ग्रह चुनिए कि कौन सा ग्रह आपका योग कारक बना और कितने अच्छे भाव में जाकर कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह इस बारे में सक्षम हो जाता है तो गोचर में जहां जाता जाएगा, जहां दृष्टि डालता जाएगा, सदैव उस घर के एडवांटेज आपको मिलते चले जाएंगे। तो गोचर को पढ़ना वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है। ये हरेक के लिए गोचर, चाहे हाउस एक ही हो, चाहे राशि एक ही में मूव किया हो, लेकिन सबके लिए रिजल्ट्स अलग अलग लेकर के आता है। और अब ये बात आप विस्तृत रूप से समझ गए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गोचर को भी आप सही दिशा में पढ़ना और देखना सीख जाएंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम स्वयं ही हल कर सकते हैं आप, और आपको नज़र आएगा कि गोचर में मेरा ग्रह अगर नेटल में बुरा पड़ा है तो गोचर में मूव करने के बाद लोग उसे जितना मर्जी बखान करें, लेकिन आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होने वाले, क्योंकि नेटल चार्ट में वो खराब पड़ा है, यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में वो खराब पड़ा है। तो प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली समझना अति जरूरी है, गोचर उसका दूसरा हिस्सा है। जन्म कुंडली पहले आती है, जन्म कुंडली के ऊपर गोचर अप्लाई होता है। जन्म कुंडली प्राइमरी फेज है, गोचर एक सेकेंडरी फेज है जिसे बाद में अप्लाई करके देखा जाता है, और उसके रिजल्ट्स का विवेचन जन्म कुंडली के आधार पर ही किया जाता है। जन्म कुंडली ही गोचर का आधार स्वरूप बनती है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, आप सभी जानते हैं, घर में बहुत जल्दी हर एक का मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि विचारों में बहुत ज्यादा मतभेद रहता है, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं। कोई एक ही चीज़ को लेने जाओ, किसी का अलग विचार, किसी का अलग विचार, कोई रंग के पीछे लड़ पड़ता है, कोई मॉडल के पीछे लड़ता है, तो ये अक्सर छोटी मोटी खटपट घरों में होती ही मिलती है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, अपने घर में कभी कोई ऐसी फोटो नहीं लगानी है जो लड़ाई झगड़े का सूचक हो, जिसमें से लड़ाई झगड़ा झलकता हो या ऐसा नज़र आता हो कि ये कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। जैसे कई लोग महाभारत की फ़ोटो लगा लेते हैं, कई लोग लड़ाई झगड़े की फ़ोटो लगा लेते हैं, वो पूरी घर की पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव करके अशुभता का प्रभाव घर में फेंकता है, और अशुभता का प्रभाव आपके घर में भी वैसा ही माहौल बनाने में वो बाध्य कर देता है। तो लड़ाई झगड़े वाली फ़ोटो घर में नहीं होनी चाहिए, सुख शांति वाली, प्रेम प्यार वाली, रिगार्ड्स वाली ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए, वो सदैव पॉजिटिव करने में बाध्य होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.